नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यूपी में मदरसों का सर्वे जारी है। 25 अक्टूबर तक इन मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। लेकिन एक तरफ इन मदरसों पर सीएम योगी की नजर है, तो अब दूसरी तरफ वक्फ प्रॉपर्टी पर सीएम योगी की नजर पड़ चुकी है। उनके निर्देश पर सरकार ने वक्फ की सामान्य संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का आदेश जारी किया है। इन संपत्तियों में बंजर, ऊसर, भीटा जैसी जमीनें हैं। योगी सरकार ने इस बारे में राजस्व विभाग के साल 1989 के शासन आदेश को भी रद्द कर दिया है। जांच की रिपोर्ट भी एक महीने में सभी जिलों से मांगी गई है। यूपी सरकार में उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी जिलों के कमिश्नर और डीएम को वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि वक्फ एक्ट 1995 और यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के प्रावधान में नियमों की अनदेखी हुई है। वक्फ संपत्तियों को ढंग से राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के लिए 1989 में आदेश भी जारी हुआ था। इसके तहत पाया गया कि वक्फ की संपत्तियां ज्यादातर बंजर, ऊसर और भीटा में दर्ज हैं। इन जमीनों को सही तरीके से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने और सीमांकन की जरूरत है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संबंध में विवाद भी शुरू हो गया है। वक्फ एक्ट को रद्द करने की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में अब दी गई है। देश भर में वक्फ बोर्डों के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां 8,00,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर हैं। इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।